तो दोस्तों देखिए, रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम पे हमें कौन सा काम करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतना चाहिए, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, चंपा के फूल बहुत ही प्यारे प्यारे से जो है खिले हुए हैं और इन पौधों को क्या है मैं इधर शिफ्ट कर दी हूँ। और ये जो है दूसरा कलर, ये भी बहुत अच्छा से जो है ब्लूम हो रहे हैं। ये देखिए इधर कितने प्यारे प्यारे से जो है लग रहे हैं। अभी क्या है, बारिश होके जो है हटी है, तो बारिश होकर हटने के बाद देखिए जो पौधे होते हैं बिल्कुल क्या है ताजी, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश जो है दिखाई देते हैं और हवा भी जो है काफी अच्छे से जो है चल रही है। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि आपने अगर गमले के नीचे जो है बॉटम जो है रखा हुआ है बॉटम ट्रे, तो उनको क्या है आप हटा दें। इनमें क्या है, मैंने बॉटम ट्रे रखा हुआ था, इसको क्या मैंने हटा दिया था और इसमें रखा हुआ था कि ये बोरी है और नीचे जो है जमीन पर ही रख सकते हैं, उसमें पानी जो है कम ही होल्ड कर पाता है, तो वो बस एक सपोर्ट के लिए जो है रखा हुआ है। बाकी सबका जो है बॉटम ट्रे जो है मैंने हटा दिया है। यहाँ पे देखिए मिंट के पौधे बहुत अच्छे से जो है, अभी देखिए रेनी सीजन में इनकी जो है ग्रोथ बहुत जल्दी जो है डबल से जो है ट्रिपल जो है बहुत रॉकेट की तरह जो है फैलती है। लेकिन इस टाइम पे क्या है, इनके जो है फ्लावर भी आएंगे तो वो क्या है हमें कट करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं आ रहे, लेकिन अभी जो है आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पौधे में जो आ रहे होंगे तो आप क्या है उनको कट करके हटा दीजिएगा, नहीं तो जो है पौधे की ग्रोथ जो है थोड़ी सी स्टॉप हो जाती है। और यहाँ पे देखिए जेड प्लांट की जितनी भी कटिंग बची थी मैंने इसमें ही जो है लगा ली, क्योंकि ये है ग्रो बैक काफी बड़ा है, तो इनमें जो है ये ग्रोथ करते रहेंगे। उसके बाद मैंने इसमें से निकाल के जो है और पौधे जो है बहुत सारे जो है रेडी कर लूंगी। और इधर देखिए मशरूम जो है लगे हुए हैं, बारिश की वजह से देखिए पौधे की जो फ्लावरिंग है बिल्कुल जो है खराब हो गई है। और यहाँ पे देखिए कॉप्सकॉम का जो है प्लांट है, देखिए कितने अच्छे है। ये क्या है कलर जो है चेंज करके आया, बिल्कुल देसी वैरायटी का जो है ये जो है मुझे निकला है। ये लगाने के बाद उन्होंने हाइब्रिड बोल के बेचा था, लेकिन क्या है ये बिल्कुल देसी वैरायटी निकला। और इधर क्या है शिमला मिर्च के पौधे जो है बहुत अच्छे से जो है, ये तीन बार मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ जब से मैंने लगाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ब्रिंजल के पौधे हैं, ये काफी ज्यादा जो है पुराने हो गए, तो प्रॉब्लम ये आती है ब्रिंजल के पौधे में, फ्रूटिंग तो दे रहे हैं लेकिन जैसे जैसे पौधा जो है पुराना होता जाएगा वैसे वैसे क्या है इनकी जो फ्रूटिंग की जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है। और दूसरा ये नुकसान करता है कि अगर ज्यादा समय जो है पुराना हो जाता है पौधा, अगर उनकी कटाई छटाई करके हम फ्रूटिंग लेते रहते हैं, वैसे मैं इन पौधे को जो है 3 से 4 बार जो है प्रूनिंग कर चुकी हूँ, हार्ड प्रूनिंग, उसके बाद से मैं फ्रूटिंग ले रही हूँ लगातार। लेकिन अगर ज़्यादा पुराने पौधे हो जाते हैं तो क्या है जिनके जो फ्रूट होते हैं यानी कि जो सब्जियाँ नहीं मिलती हैं, ये जो है इचिंग की जो है समस्या ज़्यादा पैदा करती है स्किन पे। तो ज़्यादा पुराना जो है ब्रिंजल के पौधे हों तो आप इनको जो है अपने गार्डन में ना रखें, इनको निकाल के जो है आप जो दोबारा से जो है पौधे लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए चिल्ली कितने सारे लगे हुए हैं और चिल्ली का पौधा इधर लहला रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। और इधर भी चिल्ली चिल्ली से ही लगे हुए हैं और इधर क्या हिबिस्कस के जो है कुछ पौधे लगे हुए हैं। और इधर देखिए अपराजिता के पौधे लगे, मॉर्निंग में ही मैंने क्या है इनको फंजीसाइड से स्प्रे किया, लेकिन क्या बारिश के कारण जो है धूल गया। तो जो दूसरा काम करना है हमने, देखिए मैं टाइम टू टाइम बताती रहूंगी बीच बीच में कि कौन कौन से काम जो है हमें रेनी सीजन में जो है करने चाहिए और कौन कौन से नहीं करने चाहिए। तो दूसरा जो काम करना है, देखिए इस टाइम पे जो है जो वीड होते हैं पौधों के अंदर उग जाते हैं बहुत तेजी से और बहुत जो है फास्ट ग्रो करने लगते हैं, तो इनको जो है उखाड़ना मत भूलिएगा। देखिए ये देखिए कितना लंबा जो है वीड चला गया है, तो ये क्या है पौधे की जो है एनर्जी जो है ले लेते हैं, तो इनको जो है रिमूव करना मत भूलिएगा पौधे से। और तीसरा काम ये करना कि देखिए हमने क्या है समर में हम पौधों को क्या है ग्रुप में रखते हैं ताकि एक दूसरे में क्या है पास में जो है नमी मेंटेन रहे और पौधे क्या हीट से बचे रहे। लेकिन रेनी सीजन में क्या है वही जो है हमने कहा उल्टा करना होता है, यानी कि पौधे को थोड़ी थोड़ी सी जो है बिल्कुल सटा के ना रखे, नहीं तो ह्यूमिडिटी ज्यादा ही हो जाएगी कुछ, फिर पौधे भी खराब हो जाएंगे। तो बरसात में पौधे को थोड़ी सी जो है दूरी पर रख ले। देखिए अगर बॉटम जो है ट्रे नहीं हटाते हैं पौधों से तो ये होता है, देखिए पानी जमा हो गया। खैर इसमें कुछ है नहीं, इसमें सीडलिंग की थी और ये टोमेटो के सीड है जो है सैपलिंग रेडी हो गई है, तो अगर पानी बॉटम ट्रे में खड़ जाएगा तो पौधा जो है खराब हो जाएगा, इसीलिए क्या बॉटम ट्रे हटाना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। तो तीसरा काम ये करना है कि पौधों को थोड़ी सी जो है दूर दूर पे जो है हमने रख देना है। तो यहाँ पे देखिए पौधे क्या है नीचे रखे हुए थे बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे से रखे हुए हैं, अब पौधे को क्या है मैंने ऊपर कर दिया है, बिल्कुल यहाँ से हवा बिल्कुल क्रॉस हो रही है, बिल्कुल जो वॉल होता है बाउंड्री वॉल उसके
बिल्कुल साथ में जो है उसकी हाइट पे है, तब पौधे में जो है कोई समस्या नहीं आएंगी। और इस टाइम पे क्या है, क्रिसेंथेमम की कटिंग जो है बना सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि जब भी आप कटिंग लगाएं तो आप एक बार जो है फोरकास्ट, जो है वेदर फोरकास्ट चेक कर लें। अगर लगातार क्या है 3 से 4 दिन तक मौसम में ठंडक है यानी कि क्लाउडी है तो ही आप कटिंग लगाएं, अदरवाइज थोड़ी सी वेट करें। जब ज़्यादा जो है बरसातें जो है अपने चरम पे होंगी तब आप लगा सकते हैं। तो अभी क्या होता है दोस्तों, देखिए अभी बारिश तो पड़ जाती है लेकिन तुरंत क्या है इतनी तेज धूप उगती है कि समझिए जो हमने पौधे लगाए हैं वो खराब हो जाते हैं अगर हमने उनको क्या है बचाया नहीं तो, ये समस्या आती है। या फिर कोई पौधे आपने लगा रखे हैं कटिंग, उनको डिवाइड या फिर शिफ्ट भी करना हो तो थोड़ा सा जो है वेट कर लीजिएगा या फिर फोरकास्ट चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें ड्रेनेज होल नहीं है तो इनमें पानी खड़ा हो गया है, तो इस अगर लगातार बारिश हो तो हमने एक काम करना है, देखिए कुछ इस तरीके से हमने पौधों को लटा के छोड़ देना है ताकि इनमें पानी जो है खड़ा नहीं होना चाहिए। बाकी इधर देखिए क्रिसेंथेमम के हैं छोटे छोटे पौधे, यहाँ पे जो है पॉथोस वगैरह जो है रखे हुए हैं देखिए। और जो पौधे खराब होने वाले हैं उनको क्या है आप ऊपर से शेड हो वहां पर रख लीजिए, यानी कि लगातार बारिश की बूंदें नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कि सेंसिवेरिया हो गया, एग्लोनीमा हो गया, ये सब ऐसे पौधे हैं अगर लगातार बारिश होती रही तो क्या है पौधे जो है खराब हो जाएंगे। वैसे स्ट्रॉबेरी के जो पौधे आपने अगर बचा के रखे होंगे तो उनको भी जो है थोड़ा सा बारिश से बचाइएगा। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए ये जो वुड का जो है फट्टा है ये जो है इसके ऊपर है, तो इसको मैंने अंदर रख दिया स्ट्रॉबेरी प्लांट को ताकि ये जो है बच रहे। अभी क्या है इस टाइम पे कुछ टाइम में ना इनके जो है रनर्स आएंगे और उनमें जो है बेबी जो है होंगे और इस उनसे हम बहुत सारे जो है पौधे जो है रेडी कर सकते हैं। और लास्ट में समस्या इस टाइम आती है कि मिट्टी में जो है स्नेल जो है बहुत सारे जो है आने लगते हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे। तो बेकिंग सोडा का जो है इस्तेमाल जरूर करें, ऐसे बेकिंग सोडा लेके और ऐसे मिट्टी में स्प्रिंकल करेंगे तो ये जो समस्या जो है नहीं आएगी। मैं करने वाली थी तब तक क्या है बारिश वगैरह जो है आने लगी। तो ये देखिए न्यून पौथोस को क्या है मैंने पहले से लटा दिया ताकि इनमें ज्यादा ओवर वाटरिंग ना हो क्योंकि ये कप है और इनमें भी कोई भी ड्रेनेज होल नहीं है। तो इधर देखिए स्ट्रॉबेरी ही है मेरे पौधे जो स्ट्रॉबेरी के हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है मैंने फैब में इनकी कटिंग लगाई थी, ये देखिए काफी अच्छे से जो इनके रूट है डेवलप हो गए हैं, हिबिस्कस के हैं, देसी हिबिस्कस का है। लेकिन देखिए अभी तक मैंने इनको शिफ्ट नहीं किया, अगर शिफ्ट कर दिया होता तो बहुत अच्छे से बढ़ जाते, लंबे हो जाते, बट मैं थोड़ी सी और वेट करूंगी यानी कि नेक्स्ट वीक तक क्या है मैं इनको अलग अलग करके जो है पौधे जो है तैयार कर दूंगी। तो थोड़ा सा अभी वेट करूंगी मैं। तो देखिए इसको रखा कहाँ है, जो है यहाँ पे डहरिया के पौधा है उसके गमले के ऊपर रखा है ताकि नीचे से भी जो है नमी जो है मेंटेन रहे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, रेनी सीजन में बस यही सावधानियां हैं और खाद देने की कोई जरूरत नहीं है आप पौधों को, बस ये है कि बारिश जब खत्म हो जाए तो इनको जो है एक काम करना है आपने वो है फंजीसाइड से जो है पौधों को जो है स्प्रे करना मत भूलिएगा फंजीसाइड से ताकि कोई भी फंगस वगैरह जो है ना लगे। तो बारिश होने के बाद क्या है इनको फंजीसाइड से स्प्रे करें ताकि पौधे जो है हेल्दी ग्रो करें, इनमें कीट पतंगों का हो जो अटैक ना हो जो बारिश के बाद जो है होती है। और मिट्टी में भी क्या टर्मरिक वगैरह जो है यूज़ करते रहिएगा ताकि इसे मिट्टी में भी जो है फंगस वगैरह जो है नहीं पनपने पाए। तो कटिंग लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, तेज़ धूप का जो है ध्यान रखिएगा, उनको अच्छी जगह प्लेस कीजिएगा, उनको ऐसी जगह प्लेस कीजिएगा जहाँ पे जो है सूरज की जो तेज़ किरणें ना पड़े। और या फिर आप थोड़ी सी वेट कर लीजिए नेक्स्ट वीक तक जो है अच्छे से जो है रेनी सीजन आ जाएगा यानी कि जो है बारिश जो है लगातार होगी तब आप जो है सारे जो एक्टिविटी है गार्डन के जैसे कि कटिंग लगाना, फाइनल जो है गमले में शिफ्ट करना अगर जो आपने कटिंग लगाई है पहले से, किसी भी पौधे को डिवाइड करना, ये सारी जो है गतिविधि है इस टाइम पे रेनी सीजन में किया जा सकता है। या जैसे प्रून करना पौधे को, ये सारी जो है चीज़ें जो है इस टाइम पे हम कर सकते हैं। लेकिन आप वही बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा वेदर फोरकास्ट चेक कर लीजिएगा, एटलीस्ट ये सब चीज़ें करने से पहले आपने चेक करना है कि 3-4 दिन तक जो है मौसम में जो है ठंडक हो, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि क्लाउडी हो, रेन हो थोड़ा बहुत, बिल्कुल कड़क धूप ना हो, नहीं तो किया किराए पे जो है सारा जो है पानी फिर जाएगा। हम इतने टाइम से जो है बचाते आते हैं पौधों को और एक्साइटमेंट में जो है आगे फटाफट जो है बारिश देख के हम काम करना शुरू कर देते हैं तो वही जो है हमें उल्टा जो है भुगतना जो है पड़ जाता है। तो बस यही कहूंगी मैं।
तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कुछ मैंने अपने गार्डन के जो है पौधे भी दिखा दिए, साथ के साथ जो है रेनी सीजन में क्या क्या करना चाहिए वो भी बता दिया। तो आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।